कहा जाता है कि समय के बदलाव के साथ ही जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान भी अपने पारंपरिक खेती करने के तरीकों को बदल रहा है। दरअसल सीतापुर में किसान अब तक गेहूं, सरसों से लेकर केला और मेंथा की खेती कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक आनंद सिंह ने यहां के किसानों के लिए मखाने की खेती के तौर पर एक नया अवसर दिया है। मखाने की खेती से जहां किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी तो वहीं उनकी समृद्धि में भी बदलाव होगा। कृषि वैज्ञानिक इन दिनों जनपद के मानपुर इलाके में बने कृषि वैज्ञानिक केंद्र में मखाने की फसल को खुद ही तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो इलाके के किसानों को इससे होने वाले लाभ के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जनपद सीतापुर, जो कि कहा तो नहीं गया है लेकिन जो मैंने यहाँ पे काम किया देखता हूँ मैं, इसको तो झीलों का जिला कहना चाहिए। बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, लगभग 700-800 एकड़ एरिया तो केवल बिसवां ब्लॉक में है जो वाटर बॉडी में है। अब इस वाटर बॉडी का अगर सदुपयोग करना है और हमें लोगों को रोजगार देना है, हमें अपनी आय वृद्धि करनी है, तो जहाँ पर कि हम इन झीलों में, पोखरों में, तालाबों में केवल मछली पालन तक ही सोच हमारी है। कुछ किसान हमारे बिसवा के आसपास में सांडा में देखें तो उन्होंने बत्तख पालन भी शुरू किया है। हमारे बिसवा में भी बत्तख पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें अगर जोड़ें इस चीज़ को तो झील में मखाना भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी आपका होगा, बत्तख पालन भी होगा और आपकी आय 2-3 गुना तक बढ़ सकती है। कैसे? आपको बता दें, मखाने की खेती ठहरे हुए पानी में यानी तालाबों और जलाशयों में की जाती है। एक हेक्टेयर तालाब में 80 किलो बीज बोए जाते हैं। मखाने की पहचान पानी की सतह पर फैले गोल कटीले पत्ते से की जाती है। मखाने की बुआई दिसंबर जनवरी तक की जाती है। मखाने की बुआई से पहले तालाब की सफाई की जाती है और पानी में से जलकुंभी और अन्य जलीय घास को निकाल दिया जाता है ताकि मखाने की फसल इससे प्रभावित न हो। सीतापुर से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट।